हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। हमें ये देखिए क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट दिया है, लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया है ब्रैकेट में कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमें प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आएगी राइट हैंड साइड के, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो बराबर क्या दिया है, इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा। तो मैंने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था ये सारी आइडेंटिटीज और फॉर्मूलाज। ठीक है, इनका हम यूज़ करेंगे और हम प्रूव कर देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड है जो वो राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हमने ली है, देखिए क्या करेंगे। यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि राइट हैंड साइड में यहाँ आंसर जो है हमें जो प्रूव करना है वो कोस कोस लिखा है, देखो लिख तो यहाँ तो लेकिन कोसेकेंट और कोट है। ठीक है, तो क्या करें, प्लान ये करते हैं कि सबसे पहले कोसेकेंट को हम देखिए, कोसेकेंट को हम साइन में लिख सकते हैं ना। कोसेकेंट क्या होता है, कोसेकेंट थीटा होता है 1/sin θ। ओके, माइनस ओके कोट थीटा, कोट थीटा देखिए हमें पता है जो टेन थीटा होता है वो होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा, पता है ना हमें, हमें ये पता है। तो इसका मतलब देखिए, अब टेन का उल्टा होता है कोट, है ना, हम सबको पता है अभी, तो टेन का उल्टा होता है कोट, इसका मतलब कोट क्या होगा, इसको उल्टा कर दो, टेन का उल्टा कोट है ना, इसको उल्टा करो, ये क्या हो गया कोस थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक है, अभी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये आ गया कोट थीटा की जगह कोस थीटा ओवर साइन थीटा, ये मैंने लिख दिया। अब ये जो है इसका फ़ायदा क्या होगा हमें, वो भी चर्चा करेंगे। देखिए मैंने कोसेकेंट थीटा और कोट थीटा को कन्वर्ट कर दिया, देखो क्या क्या हुआ, साइन आ रहा है और कोस साइन आ रहा है। ठीक है, मुझे तो आंसर में कोस चाहिए, कोई बात नहीं, कोस तो आ रहा है, एक बार तो आ ही रहा है यहाँ पे। अब ये साइन को भी मैं कोस में ही कन्वर्ट करूँगा, देखो कैसे। तो अभी ये क्या आ जाएगा, देखो नीचे साइन साइन क्या है, एलसीएम हमने लिया तो नीचे आ गया ये साइन थीटा। ठीक है, ऊपर क्या रह गया, 1 माइनस कोस थीटा, यही रह गया 1 माइनस कोस थीटा, ऊपर रह गया माइनस है। ठीक, होल स्क्वायर। ओके, अब इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं, देखो कहीं पड़ा है a ओवर b का होल स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं इसी फॉर्म में, अब देखो ये है ना, ऊपर है कुछ नीचे है फिर होल स्क्वायर है, तो ऊपर का स्क्वायर ओवर नीचे का स्क्वायर, ऐसे मैं लिख देता हूँ कि 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर ओवर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, हो गया। तो ऐसे हमने इसका मेकअप कर दिया। अब देखो, अब ये तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, वो देखो ध्यान से, आंसर मुझे जो राइट हैंड साइड प्रूव करना है ऊपर 1 माइनस कोस थीटा पड़ा है, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है ये 1 माइनस कोस थीटा तो आ गया, लेकिन ये तो स्क्वायर है, तो अब मैं क्या करूँ, नेक्स्ट स्टेप क्या करूँगा, मैं ऊपर तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज रहने दूंगा, नीचे जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट आइडेंटिटी, देखो ये वाली क्या होता है, ध्यान से समझो फिर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं, तो वही मैं लिख रहा हूँ यहाँ, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखूंगा मैं, इसको लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्या लिखूंगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया, हो गया। चलो अब देखो सारा कुछ कोस कोस में आ रहा है और फीलिंग भी आ रही है क्या, कि आंसर आने वाला है, हैं आंसर आने वाला है। ठीक है, सो अभी देखो ये जो 1 है, 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर इजीली, यहाँ 1 था ना, ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, हमें पता है 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, तो मैंने यहाँ स्क्वायर लिख दिया। फ़ायदा क्या हुआ इसका, नीचे फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। ठीक है,
फार्मूला बन गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर का नीचे। तो क्या होता है वैसे फार्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। नीचे क्या फॉर्म आ रही है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, वो क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, हमें पता है ये होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है कि नहीं। तो ध्यान से देखो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू कोस थीटा है, तो इसको लिखेंगे हम 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है ना। यहाँ पहुँच गए ए प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला किसका ए स्केयर माइनस बी स्केयर का। अब ऊपर पावर है 2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दो बार लिख सकता हूँ ना, दो पावर है तो लो जी दो बार लिख दिया, हो गया। और ये क्या है नीचे 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, अब आपको नज़र आ जाएगा, देखिए ध्यान से, ये तो इसके साथ कट गया और हमारे पास जो बचा 1 माइनस कोस थीटा, ओहो 1 माइनस कोस थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा। तो बच्चे गौर से देखें, आपका आंसर आ चुका है 1 माइनस कोस थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा, यही है आपका राइट हैंड साइड। तो हमारा क्वेश्चन हो गया ख़त्म, आंसर आ गया राइट हैंड साइड। सो हमारी सोल्व क्या कर रहे थे हम, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आ गई, एंड में बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के, बात हो गई ख़त्म। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स अब कर रहे हैं हम सेकंड पार्ट, प्रूव कर देंगे हम लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, ये हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो देखिए क्या है ये लेफ्ट हैंड साइड, हमने ये ले ली, देखो कोस ए ओवर 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए ओवर कोस ए, ठीक है। प्रूव करना है ये छोटा सा 2 सेकंड है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुझे नज़र आ रहा है ये सेम है, ये सेम है वैसे तो, चलो एलसीएम लेते हैं हम इसका। तो एलसीएम हम ले लेंगे इसका और इस, ये नीचे है ना, एलसीएम क्या आएगा, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। देखो हम बचपन में पढ़ चुके हैं, कहीं लिखा हो 2/3 + 5/7 मान लो, तो एलसीएम क्या आएगा इसका, आपको पता है ना 21 आएगा, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एलसीएम 21 आएगा, यानी कि 3 × 7 आएगा। फीलिंग आ गई, अब ये फील करने की एलसीएम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो एलसीएम ये आता था ना 3 × 7 = 21 है, 21 एलसीएम, ठीक है। तो इसी फीलिंग के साथ समझो कि एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई कोस ए, यही आएगा एलसीएम इसका, आ गया। ओहो ए, चल भाई अब ठीक है, हमें पता आगे तो हमें एलसीएम लेना आता है, ये कट जाएगा, इसके साथ ये स्केयर होगा, तो ये आ गया कोस स्केयर ए, एलसीएम लेना सबको आता है, यस। ये कोसे कोसे कटेगा तो ये मल्टीप्लाई ऊपर होगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्केयर, ठीक है, ओके। चलो अगला स्टेप क्या आएगा, ये आ गया कोस स्केयर ए प्लस, देखो ये फार्मूला मैं इतने को लगा रहा हूँ, क्या फार्मूला लगा रहा हूँ, ए प्लस बी का होल स्केयर, वो क्या होता है सबको आता है, ए प्लस बी का होल स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ठीक है। सो 1 स्केयर प्लस साइन स्केयर ए प्लस 2 × 1 × sin a ओवर 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ओके हो गया। चलो ये करो रब, अब क्या करें, अब नज़र आ रहा है बड़ी प्यारी सी चीज़ है, कोस स्केयर ए प्लस साइन स्केयर ए, वो देखो फील करो, कोस स्केयर ए प्लस साइन स्केयर ए क्या होता है, 1 होता है ये, कोस स्केयर ए प्लस साइन स्केयर ए, यहाँ बोल दो साइन स्केयर ए प्लस कोस स्केयर ए की बात है, 1 होता है, ठीक है। नज़र आ गया ये वाली आइडेंटिटी, नज़र आ गई, यहाँ लगा रहा हूँ मैं, देखो इन दोनों को थोड़ा इकट्ठा कर दूँ, जोड़ दूँ, ये आ गया कोस स्केयर ए, फिर मैंने इसे पकड़ा प्लस साइन स्केयर ए, फिर ये भी तो है बड़ा 1 स्केयर, चलो 1 स्केयर प्लस 2 × 1 × sin a 2 sin a 1 स्केयर, ये वाला इसको 1 ही लिख दूँ, 1 स्केयर तो 1 ही होता है, लो जी ये आ गया 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए,
तो बड़े ध्यान से देखेंगे, ये बड़ी प्यारी सी चीज़ आ गई, हमारी आइडेंटिटी आ गई। फर्स्ट हमें पता है ये वन होता है, ओके। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अब ऊपर ध्यान से देखना, ये क्या है, ये वन है। इसको लिखा मैंने सारे को वन, कोस के रे प्लस साइंस के रे, ये सारा लिख दिया कोस के रे प्लस साइंस के रे वन, ओके। प्लस वन वन, प्लस टू साइन ए, प्लस टू साइन ए, समझ आ गई बात। नीचे क्या पड़ा है, वन प्लस साइन ए इंटू कोस ए हो गया। चलो जी, वन प्लस वन टू, प्लस टू साइन ए ओवर वन प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ओके। क्या आ गया भैया, देखो दो दो यहाँ से दो कॉमन आ जाएगा, दो कॉमन आ जाएगा बाहर, हाँ टू टू कॉमन आ गया, ठीक है। टू वन जा टू, टू वन जा फिर टू, ठीक है। अब यहाँ वन चाहे लिखो चाहे ना लिखो, टू इंटू साइन ए टू साइन ए, टू इंटू वन टू। नीचे क्या पड़ा है, वन प्लस साइन ए इंटू कोस ए। तो ये तो भैया जो ये पड़ा है ध्यान से फील करो इसे, वन प्लस साइन ए, नीचे भी वन प्लस साइन ए, ये कट गया काट काट। और नीचे क्या बचा बेटे, कुछ नहीं बचा, तो ये तो बचा टू, यहाँ तो कुछ नहीं है, नीचे क्या बचा कोस ए। इसको लिख सकते हैं हम, देखो क्या लिख सकते हैं, टू इंटू वन ओवर कोस ए लिख सकते हो ना, है कि नहीं। टू वन जा टू, नीचे पड़ा कोस ए, है ना। अब वन बाय कोस ए कहाँ पड़ा है, ये है वन ओवर कोस थीटा, हमें पता है क्या होता है, सीकेंट थीटा, पढ़ चुके हैं हम, वन ओवर कोस थीटा सीकेंट थीटा, और वन ओवर कोस ए सीकेंट ए हो गया, और आपका आ गया टू सीकेंट ए। राइट हैंड साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड हमने शुरू की थी, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के, ओके। क्या लिखेंगे एंड में, कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो इस तरह से हमारा हो गया ये सेकंड पार्ट, ठीक है। तो क्या किया हमने, कुछ नहीं, सबसे पहले एलसीएम लिया, फिर हमारा यहाँ कोस्केयर आ गया एलसीएम के हिसाब से, और यहाँ वन प्लस साइन ए का होल स्केयर आ गया। कोस्केयर ए यहाँ लिखा, ए प्लस बी का होल स्केयर लगा दिया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी, कोस्केयर ए और साइन स्केयर ए ऐड कर दिया, इधर इकट्ठा कर दिया, वन स्केयर को यहाँ मैंने लिख दिया वन स्केयर, वन स्केयर वन ही होता है, ये यहीं पड़ा है। अब ये हो गया वन, ये पड़ा, ये भी वन था, टोटल हो गए टू, ये ऐसे ही पड़ा है। अब टू और टू यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया बाहर, और अंदर क्या आ गया, टू वन जा टू, टू साइन ए टू साइन ए, टू इंटू साइन ए टू साइन ए, ठीक है। वन प्लस साइन ए कट गया, और बेटे टू ओवर कोस ए रह गया, वो होता है टू सीकेंट ए, हमारा आंसर आ गया। चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम कर रहे हैं थर्ड पार्ट इसका, देखिए मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँगा और मैं राइट हैंड साइड प्रूव कर दूंगा। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम करेंगे कि कोट थीटा को कन्वर्ट करेंगे वन ओवर टेन थीटा में। हमें पता है कोट थीटा होता है वन ओवर टेन थीटा, तो मैंने कोट थीटा को लिख दिया वन ओवर टेन थीटा, यहाँ भी लिख दिया मैंने वन ओवर टेन थीटा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन है, ओके। तो नीचे यहाँ पर मैं एलसीएम लूँगा, ये क्या आ गया टेन थीटा ओवर, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा टेन ही आएगा, टेन थीटा, ओके। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा टेन थीटा, वन से मल्टीप्लाई होगा ना, माइनस वन प्लस ये वाला, ये आ गया वन ओवर, हाँ वन ओवर टेन थीटा हमने कोट थीटा को लिखा था, यस। और ये आ गया हमारे पास वन माइनस टेन थीटा, ठीक है। तो कोट थीटा को हमने दोनों जगह वन ओवर टेन थीटा लिख के स्टार्ट कर दिया। अभी देखिए ये तो हम देख रहे हैं कि हमने इसको सोल्व किया, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन तो है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन तो है। हमें पता है अगर लिखा हो ए ओवर बी ओवर सी ओवर डी, तो नीचे वाला घूम के ऊपर आ जाता है, डी ओवर सी करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना हम, ठीक है। तो हम इसको भी ऐसे लिख रहे हैं, ए ओवर बी ओवर सी ओवर डी, टेन के नीचे कुछ नहीं था तो वन तो था, ओके। तो इस तरह से हम ट्रीट करेंगे और इसको अब घुमा देंगे इसे, ओके। तो ये आ गया टेन थीटा ओवर वन मल्टीप्लाई टेन थीटा ओवर, घूम के ऊपर आ गया, ठीक है। सो टेन थीटा माइनस वन, क्लियर है, प्लस। अब देखिए ये तो इकट्ठा था, यस,
इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन तो है ना, यस, तो ये भी हम ऐसे ही घुमा देंगे। चल भाई ये क्या आ गया, वन ओवर टेन थीटा मल्टीप्लाई वन ओवर, घूम के ऊपर आ गया वन ओवर, नीचे क्या रह गया वन माइनस टेन थीटा। तो इस तरह से बच्चे हमने यहाँ स्टेप तक पहुँच गए, हमारे पास ये आ क्या गया, अब देखिए टेन इंटू टेन ये आ गया हमारे पास टेन स्क्वेयर थीटा ओवर टेन थीटा माइनस वन प्लस हाँ वन इंटू वन वन ओवर टेन थीटा इंटू यस वन माइनस टेन थीटा, यहाँ पर हम पहुँच गए। ओके ये ऐसे देखो ठीक है, अब मुझे नज़र आ रहा है कि ये है टेन थीटा माइनस वन ओके, और ये है वन माइनस टेन थीटा, ये अब इसको देखो ये है वन माइनस टेन थीटा, अगर इसको मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा टेन थीटा माइनस वन, उल्टा हो जाएगा ना, तो मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ नीचे से ठीक है, फ़ायदा क्या होगा अभी बताएंगे। टेन स्क्वेयर थीटा ओवर ये क्या आ गया टेन थीटा माइनस वन प्लस वन ओवर, देखिए माइनस कॉमन ले लिया मैंने सिर्फ माइनस, और ये उल्टा हो गया, ये क्या आ गया यहाँ पे टेन थीटा माइनस वन आ गया, फ़ायदा क्या हुआ ओके यहाँ से रब कर दें, फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा देखिए क्या हुआ, ये भी टेन थीटा माइनस वन है ये भी टेन थीटा माइनस वन है ठीक है, बराबर हो गए दोनों। अब ये जो माइनस नीचे मैंने लिया था ये ऊपर जाके इस प्लस को माइनस बना देगा ओके, यानी कि इसको हमने उल्टा किया माइनस बाहर आया और उसने इसका साइन चेंज कर दिया। अब एलसीएम हमें एलसीएम क्या आएगा बेटे इसका टेन थीटा माइनस वन टेन थीटा माइनस वन और यह है टेन थीटा, एलसीएम क्या आएगा इसका फील करो जल्दी से, मान लो कहीं पड़ा है टू ओवर थ्री माइनस माइनस फोर ओवर, मान लो कहीं पड़ा है टू ओवर थ्री माइनस फोर ओवर, देखो ये थ्री माना मैंने मान लो तो ये भी थ्री है ठीक है, फील करो इसे सेवन इंटू थ्री, एलसीएम क्या आएगा नजर आ रहा है एलसीएम आएगा थ्री और ट्वेंटी वन का एलसीएम क्या आएगा, फील करो थ्री और ट्वेंटी वन का एलसीएम ट्वेंटी वन ही आएगा, क्लियर हो गया। इसका मतलब अगर कोई चीज़ यहाँ पड़ी है और यहाँ भी वही पड़ी है, यहाँ कुछ डिफरेंट चीज़ पड़ी है लेकिन एलसीएम तो यही आएगा, आ गई फीलिंग, एलसीएम तो ट्वेंटी वन आएगा ना थ्री और ट्वेंटी वन का, तो चलो तो एलसीएम क्या आएगा, कहने का मतलब अब एलसीएम आएगा ये वाला, तो लें एलसीएम फिर ये क्या आ गया टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस वन आ गया एलसीएम ओके। अब टेन थीटा माइनस वन टेन थीटा माइनस वन कट गया, टेन थीटा ये था टेन स्क्वेयर ये था, कितना हो गया टेन थीटा मल्टीप्लाई होगा ऊपर क्यूब, ये तो सारे का सारा ये नीचे कट जाएगा कुछ नहीं रहा तो वन नहीं ओके हो गया, तो हमारे पास ये चीज आ गई, अब इसको करना पड़ेगा रब, ये हमने आइडेंटिटीज लिखी थी इधर ठीक है कोई बात नहीं, अभी हम करेंगे जल्दी से। देखिए ये फार्मूला किसका है, वन को क्या लिख सकते हैं हम, वन को लिख सकते हैं वन क्यूब लिख सकते हैं ना हम वन को वन क्यूब, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला हमें आता है क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, यही होता है ठीक है, तो इसको अब हम यहाँ अप्लाई करेंगे यहाँ पर, देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है ए माइनस बी, सो टेन थीटा माइनस वन ओके, आगे क्या है ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, टेन स्क्वेयर थीटा प्लस टेन थीटा ए बी, ये वाला ए स्क्वेयर पहले टेन स्क्वेयर ए बी टेन थीटा इंटू वन, ये हो गया ए बी, नजर आ गया ए स्क्वेयर हो गया टेन स्क्वेयर थीटा, ए बी हो गया टेन थीटा इंटू वन, ये है ना ए क्यू माइनस बी क्यू, यस ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, बी क्या है वन वन का स्क्वेयर, तो हमारे पास ये चीज ये आ गई नीचे पड़ी है क्या टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस वन ठीक है, यहाँ पहुँच गए। तो भैया ध्यान से देखें ये हमारा कट गया और हमारे पास जो बचा क्या बचा, बस थोड़ा सा ही रह गया, अब ये बचा हमारे पास, देखो क्या बचा है टेन स्क्वेयर, ये तो टेन थीटा इंटू वन था ना, ये तो टेन थीटा ही आ जाएगा यस, तो ये आ गया टेन स्क्वेयर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस वन ओके ओवर टेन थीटा, तो बच्चे इसको थोड़ा सा सोल्व करो, दिस ओवर दिस प्लस दिस ओवर दिस प्लस दिस ओवर दिस,
ये आ गया टेन स्क्वेयर थीटा ओवर टेन थीटा प्लस टेन थीटा ओवर टेन थीटा प्लस वन ओवर टेन थीटा। ओके ये एक कट गया, ये तो पूरा ही कट गया, ये नीचे एक है ऊपर दो है तो वो एक तो रहेगा, यस ये तो पूरा कट गया। और ये क्या आ गया कॉट, वन ओवर टेन क्या होता है कॉट थीटा। अब हम देखेंगे कि हमें आंसर क्या चाहिए, वन आ चुका है यस, और हमारे पास ये सीकेंट थीटा को सीकेंट थीटा भी नहीं है, ठीक है। तो बेटा अब हम इस टेन को चेंज करेंगे, टेन क्या होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा प्लस वन, ठीक है, प्लस कोट थीटा क्या होता है कोस थीटा ओवर साइन थीटा, ठीक है। तो बस अब फिर हम एलसीएम लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आएगा ध्यान से देखें, गौर से देखें, एलसीएम आएगा हमारा कोस थीटा और साइन थीटा, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा, ओके ठीक है। एलसीएम लेके आ जाएगा ये कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये एलसीएम आ गया, कोस कोस तो कटेगा साइन स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा कोस साइन आएगा, यहाँ पे क्या आएगा कोस स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, करो इन दोनों को, इन दोनों का क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा, ओहो जगह कम हो गई, प्लस क्या आएगा कोस थीटा साइन थीटा, ठीक है, ओवर क्या नीचे कोस थीटा साइन थीटा, यही है ना, ओके। अब ये क्या आ जाएगा, ये आ गया वन, ये कहाँ लिखें उधर करते हैं, अभी लेफ्ट हैंड साइड से हम चल रहे थे तो ध्यान से देखें हम कहाँ पहुँच गए, फटाफट हम पहुँच गए, ये मैं वहाँ लिख रहा हूँ, चलो इसको ये क्या आ गया देखो, ये आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा, ओहो कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा ओवर, हमारे पास क्या आ रहा है नीचे कोस थीटा साइन थीटा, तो ये तो वन होता है यस, और ये क्या है कोस थीटा साइन थीटा, नीचे क्या है कोस थीटा साइन थीटा, चलो दिस ओवर दिस यस, डिवाइड कर दिया दोनों के साथ अलग अलग, प्लस दिस ओवर दिस कोस थीटा साइन थीटा, ये बच्चे कट गया और हमारे पास क्या रहा, ये क्या है वन ओवर कोस थीटा और साथ ही में क्या है मल्टीप्लाई वन ओवर साइन थीटा, प्लस ये तो वन है तो क्या नजर आ रहा है, नजर आ रहा है हमें ये तो कट गया वन आएगा ना, तो नजर आ रहा है हमें क्या आएगा, दिस इंप्लाइज वन ओवर कोस थीटा क्या होता है सेकेंड थीटा, वन ओवर साइन थीटा क्या होता है कोसेकेंड थीटा प्लस वन, वन प्लस सीकेंड थीटा कोसेकेंड थीटा, वो देखिए वन प्लस सीकेंड थीटा कोसेकेंड थीटा, ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। आई होप आपको समझ आ गया होगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल, टेक केयर, बाय बाय।